हमारे यहाँ 10 तरह के तेल मिलते हैं। मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे कि मैं सरसों का तेल खा रहा हूँ, एक कोई बोलेगा मैं सोयाबीन का खा रहा हूँ, कोई बोला है तो कौन सा तेल खाना चाहिए अभी भी हमें नहीं मालूम है। सबसे जो तेल आज भारत में खाए जा रहे हैं सोयाबीन, सनफ्लावर, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, सरसों का तेल, दोस्तों ये तेल विदेशों में सिर्फ बायोडीजल करके यूज होता है, इसे कोई नहीं खाता है। अच्छा। लेकिन भारत में एक ऐसा तेल है जो बनता है और पूरे विश्व में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, चाइना के बाद भारत का दूसरा नंबर है, जिसका नाम है अल्फा कार्डियो कुकिंग ऑयल, जो बेसिकली राइस ब्रान ऑयल होता है। घी के बाद सिर्फ एक तेल मनुष्य के लिए बना है, वो है राइस ब्रान ऑयल, चावल का तेल। तो अगर आप इससे आप लेंगे तो आप बहुत सही निरोगी। अगर तेल के बारे में अगर कोई बात करना है तो पीएचडी होती है पूरे तेल के ऊपर। मुझे अगर बात करना है कभी आप एक बड़ा अच्छा सेमिनार रखिए जिसमें मैं 25 घंटे बात करूंगा तेल के ऊपर। अच्छा। और आप आंख झपकाएंगे भी नहीं कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये। हमारे यहाँ चौक दिया, पूड़ी बन गई, सब्जी बन गई, मैटर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है वो। तो तेल राइस ब्रान ऑयल खाना चाहिए। नमक जो है सरसों तेल क्या? सबसे खराब तेल, सबसे खराब है इसके लिए, अनसैचुरेटेड फैट इसमें काफी कम। बता रहा हूँ सबसे ज्यादा जो पेस मेकर भारत में लगते हैं वो राजस्थान, बिहार और यूपी में लगते हैं, क्योंकि जो हृदय का स्पंदन होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये डेड कर डालते हैं। अच्छा। पूरे देशों में नहीं होता है। और इसमें यूरिसिक एसिड होता है जो 48% होता है, जो 2% के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरे वर्ल्ड में सरसों का तेल नहीं खाया जाता है। इसका हाइब्रिड बनाया है कैनोला, जो पूरे विश्व में अवेलेबल है कैनोला के नाम से। अच्छा। ये बहुत खराब तेल है साइंस की दृष्टि से। अगर एक आम आदमी से पूछे तो वो बोलेगा सबसे अच्छा तेल है।